नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 15 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा सुबह 9:32 के बाद वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा रवि के साथ नवपंचम योग और मंगल और हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव से चंद्रमा सुबह 9:32 के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए जो आज का दिन है बहुत ही अच्छा है, हालांकि थोड़ा दौड़ धूप वाला दिन होगा। मतलब जिस विषय पर आप काम करते हो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहोगे। आज घूमना टहलना भी हो सकता है, छोटे मोटे ट्रैवलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप किसी विषय पर सोच रहे हो और इसके प्रत्यक्ष रूप में आना, या फिर जिसे हम इंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आज का दिन उसके लिए परफेक्ट है। उसके लिए जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, और आपका जो विचार होगा वो विचार भी फोकस रहेगा, पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा। तो पूरा जो दिन है वो दिन इसी प्रकार से किसी विषय पर आप फोकस रहेगा, तो जो आपका दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा, और अच्छी तरीके के आइडियाज वगैरह भी आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसी किसी संस्था में से जिसमें मेहनत कम और इनकम ज्यादा है और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है, इसी प्रकार के अगर कोई बिजनेस से आप डील करते हो, तो मेरे ख्याल से आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग, और आपके वैय भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है, खास करके आज आपकी जो फैमिली होंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, सेविंग्स के बारे में सोचोगे, तो पूरा जो दिन है वो खास करके आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होंगे उसके बारे में सोचने जा सकता है। और उसी प्रकार आज किसी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, आज आप फैमिली के ऊपर खर्चा कर सकते हो और आपको आज पैसे की अच्छी आमदनी भी हो सकती है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। जिस प्रकार से आपके कुछ रिक्वेस्ट वगैरह रहेंगी या फिर आपकी जो डिमांड रहेगी घर से, वो आज पूरे होने की बहुत संभावना है। आज आपके घर के लोग होंगे वो आपके लिए कुछ अच्छी, मतलब ऐसी परिस्थितियां भी निर्माण हो सकती है जो कि आपके लिए फेवरेबल है। आज आपको अच्छी आर्थिक जो बोलते हैं, मतलब पैसे के बारे में अगर कुछ कमियां हैं वो आज के दिन पूरी हो सकती है। तो बहुत अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण सुबह 9:32 से होगा, और आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है, और आप ही के लाभ भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहे। तो पिछले करीबन 2-3 दिनों से थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आपकी राशि चल रही थी, लेकिन आज से जो आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, और जिस विषय पर अगर आप नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, तो उसके बारे में कुछ अच्छे विचार आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं। अगर लाभ के बारे में कोई लाभ अचानक से, मतलब इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम आए थे, वो आज के दिन मिलने के बहुत अच्छे आसार है। आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आज आप सोच सकते हो, जो कि पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगी। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आज आपको अच्छी मदद मिल सकती है, और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जो मूड है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, और खास करके पैसे के मामले में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको आए थे वो आज नॉर्मल होने जा रहा है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो यदि भी आपके जो चंद्रमा यह चंद्रमा व्यय भाव में होने के बावजूद जो दिन होगा वो सामान्य होगा, स्थिर होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप ले सकते हो किसी नए विषय को लेकर, मतलब नए करियर के बारे में अगर आप सोच रहे हो, या फिर नए ऐसी कोई बात जो कि ऑफ ट्रैक है, मतलब इसके बारे में पूरी तरह से, मतलब आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में सोच विचार थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, थोड़े बहुत निगेटिव होने की भी संभावना है। आपको लग सकता है कि जिस विषय पर आप काम करने जा रहे हो या फिर योजना बनाने के लिए जा रहे हो उसमें कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे थोड़े बहुत नेगेटिव जो विचार है वो आ सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके लिए ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पंचम भाव का जो गुरु है वो गुरु आपके लिए कोई ऐसी दिक्कतें खड़ी करने वाला नहीं है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन सामान्य होगा। गृहिणी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज ज्यादा, मतलब ज्यादा तौर पर अगर देखा जाए
तो सेहत के बारे में थोड़े बहुत आपके मन में विचार आ सकते हैं कि सेहत के बारे में क्या होगा या फिर सेहत के जो लक्षण अगर आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि सेहत के बारे में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर कहा जाए तो दिन वैसे थोड़ा सा सामान्य है या फिर निगेटिव आप कह सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आप किसी पार्टनरशिप के व्यवसाय में है तो बहुत अच्छा दिन, आपके जो पार्टनर है उनसे आपको अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर ऐसे किसी खबर के आप ताक में हो कि जो खबर आपको नहीं मिल रही है या फिर किसी और के ऊपर वो खबर डिपेंड है, कोई और आपको वो खबर देने वाला है जो कि आपके फायदे के लिए है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ऐसे किसी अच्छी न्यूज़ या फिर खबर आपको मिल सकती है जिसका आपका जो पूरा मूड है वो चेंज हो जाएगा, अच्छी पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगी, तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन साबित हो सकता है। और लक फैक्टर है वो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो विवाहित है उनके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे कुछ अच्छे आपको आज रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी हेल्पिंग आपको मिल सकती है, कुछ अच्छे बदलाव आप उनमें देख सकते हो, जिसकी वजह से पूरा जो दिन है लाभ के बारे में या फिर आपके जो फैमिली रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप के मामले में सभी के लिए जो सिंह राशि के व्यक्ति है उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 9:32 के बाद जो चंद्रमा है चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर के जो लोग रहेंगे उनसे आपको बहुत अच्छी तरीके से सहायता मिल सकती है, जो उसने जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि ऐसा आपको लग सकता है कि जो लोग आपके नेगेटिव है, मतलब आपके ऑपोज में, आपके विरोध में है, उनसे आज आपको अच्छी सहायता मिल सकती है या फिर मिलने के बहुत अच्छे आसार है, जो कि पॉजिटिव होगी, जिसके आपका मन के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि ऐसे लोग जिसको आप नेगेटिव मान रहे थे वही लोग आपके आज आपकी सहायता कर सकते हैं। जहां पर काम करते हैं वहां पर आपके काम की सराहना भी हो सकती है। अगर आपके मन में कोई विचार है अदर इनकम के बारे में, कुछ अच्छा इनकम आप सोच रहे हो, तो वो आज के दिन उसके बारे में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो बहुत अच्छा दिन है और अनपेक्षित धन लाभ जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था वो लाभ आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी जो दिन है काफी अच्छा है, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा आज का दिन साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ जो चंद्रमा है चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आज का आपका जो दिन होगा बहुत ही अच्छा दिन होगा। पिछले करीबन 2-3 दिनों से या फिर 4-5 दिनों से थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस आपको आप में आ रही थी, थोड़ा बहुत आप नेगेटिव विचार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आज सुबह के बाद आपका जो मूड होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। कुछ अच्छी ऐसी घटनाएं आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे आपको परिणाम ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपका जो पूरा जो मूड होगा वो पूरी तरह से चेंज करते हुए दिखेगा और आपको लगेगा भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जो बदलाव है वो किस तरह से आया, लेकिन अच्छे कुछ बातें आपके लिए आ सकते हैं सामने। तो पूरा जो दिन है बहुत अच्छा दिन है और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी अच्छा दिन है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है, उनके लिए भी आज का जो दिन होगा बहुत अच्छा दिन है। पिछले करीबन कई दिनों में आपने देखा होगा करीबन 8-10 दिन में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार थे उनसे आपकी थोड़ी अनबन हुई थी, उनसे कुछ मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए थे, विचारों में थोड़े बहुत विरोध हुए थे, लेकिन आज का जो दिन है वो पूरी तरह से वो जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से पैचअप करने वाला है। तो बहुत अच्छा दिन है, आप इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर वालों से अगर कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन आपके हुए थे, तो उनसे आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा और उनसे आपको कुछ अच्छे ऐसे कुछ विचार भी मिल सकते हैं या फिर आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। उनके बारे में अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव बातें थी तो वो भी आज
पूरी तरह से नॉर्मल होने की अच्छी संभावना है। घर वाले लोगों के लिए आज कुछ अच्छा आप कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से जो पूरा दिन है बहुत अच्छा ही बीतने वाला है। सेहत के बारे में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पास्ट में अगर डेवलप हुए थे तो उसके बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि जिस बारे में आपने सोचा था वो असल में इतनी स्ट्रेसफुल बात नहीं है, तो कुछ अच्छी न्यूज आपको उसके बारे में मिल सकती है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा होगा। आपके परिवार के जो पूरे सदस्य होंगे वो आपके लिए मतलब आप में मतलब उनसे आपको कुछ अच्छे ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी आशाएं आपको मिल सकती हैं, जिसकी वजह से पूरा जो दिन होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण था और सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में सिद्ध रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा और शुभ दिन साबित हो सकता है। जो मूड आपका करीबन पिछले 2-3 दिनों से इतना अच्छा नहीं था वो आज पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनसे भी आपकी जो हारमोनी वह अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। जहां पर जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हो उनसे भी आपकी जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह आए थे वो नॉर्मल होने की बहुत अच्छी संभावना है। और दूसरी बात, जहां पर आप काम करते हो वहां पर से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। जो धनु राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रहे, उनको इनके लिए भी आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, तो पूरा जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत अच्छा साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे आज आपके हारमोनी बहुत अच्छे होंगे। जो आप मांगोगे वही आज आपको मिलेगा। तो जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से आज का जो आपका दिन है वो बीतने वाला है। उसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण सुबह 9:32 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस ले सकते हो। आपके सेहत के बारे में अगर पिछले करीबन 10-15 दिनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही थी, आज के दिन उसके बारे में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। उसी प्रकार आपके मतलब जो ससुराल के लोग हैं, जैसे हम इनलॉज भी बोलते हैं, उनसे आज आपको कुछ अच्छी जिसे हम खबर बोलते हैं या फिर कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। अगर आप उनके पास कुछ अच्छी मदद के लिए कुछ देख रहे थे तो आपको वो आज मदद मिलने की बहुत ही अच्छी संभावना है। और अनपेक्षित लाभ जिसे हम बोलते हैं वह भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। हालांकि आज के दिन आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। गृहिणी वर्ग के लिए देखा जाए तो अच्छा दिन है, सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ सकता है और किसी भी संबंध में कॉशियस रहना थोड़ा सा आवश्यक है, सावधान रहना थोड़ा सा आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:32 के बाद यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल और अर्शल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आपने करीबन पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत आराम करना पसंद किया था, और या फिर आराम तो आपको नहीं मिला रहेगा लेकिन आराम करना आपने पसंद किया था, लेकिन आज सुबह के बाद आपका जो मूड होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक आप फील करोगे। खास करके आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनसे आपके जो रिलेशन है उनके जो हारमोनी उनके साथ उनके आपकी हारमोनी है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। आपके और उनके बीच में कुछ तनाव था या फिर तनाव हुआ था वो भी नॉर्मल होने के बहुत अच्छे आसार है, तो उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। जो आपका घर का जो वातावरण होगा वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, तो और इसका पूरी तरह से आप फायदा लीजिए। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी और जो गृहिणी वर्ग है खास करके उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। जिस विषय पर आप काम करते हो, जो व्यक्ति काम पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी जो आज का दिन है बहुत अच्छा दिन है। कुछ नए विचार अगर आप सोच रहे हो तो उसके बारे में कुछ अच्छे आपको मतलब ऐसे कुछ अच्छे कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपके विचार है वो प्रत्यक्ष रूप में आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, सुबह नौ बजकर बत्तीस मिनट के बाद यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके वेय स्थान में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल और हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो पूरा दिन है वो पूरा दिन पूरी तरह से आप आराम करना पसंद करोगे। हालांकि आपकी जो राशि है वो आराम करना
या फिर ऐसी कुछ बातों पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, तो आज का जो आपका दिन है वो उसी प्रकार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो आराम आप करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। अमूमन तौर पर हम हमेशा थोड़ा फर सोचते हैं कि आराम किया जाने, लेकिन हमें आराम मिलता नहीं। लेकिन आज का जो आपका दिन है वो उसके दरमियान बहुत ही अच्छा है। और घर के जो प्रॉब्लम्स है, तंटे बखेड़े रहेंगे उसके बारे में आप देखोगे, घर के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी देखने वाले हो, और घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी हारमोनी वो अच्छी होगी। खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 15 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।